हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के चीलों का रायता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके लिए मैंने 2 कप ठंडा दही ले लिया था। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल के इसको पतला कर लिया है, देखिए इस तरह से। इसके लिए मैंने 2 बेसन के चीले भी ले लिए हैं। इन चीलों को मैंने 15 से 20 मिनट पहले बना के ठंडा कर लिया था। बेसन के चीले की रेसिपी आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम बेसन के चीले के टुकड़े कर लेंगे। आप चाहे तो इसको नाइफ की मदद से भी कर सकते हैं और इसको हाथ से भी तोड़ सकते हैं। इसके चौकोर पीस भी कर सकते हैं हम। एक तरफ से मैंने पीसेस कर दिए हैं, अब दूसरी तरफ से देखिए एक किस तरह से स्क्वायर में आ रहा है। इस तरह से सारे पीस हम कट कर लेंगे। मैंने दोनों चीले के टुकड़े कर लिए हैं, देखिए इस तरह से। आप इसको चौकोर काट लीजिए और आप इसको हाथ से भी तोड़ सकते हैं। अब हम दही में मसाले में लाएंगे। सबसे पहले हम डालेंगे सादा नमक 1/4 टीस्पून, काला नमक 1/4 टीस्पून, हाफ टी स्पून भुना हुआ जीरा, ये पीस लिया था मैंने। सूखी हुई पुदीना की पत्ती क्रश करके डाल दी है मैंने। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें बेसन के चीले के टुकड़े डाल देंगे। दही को मैंने थोड़ा इसलिए पतला किया ताकि बेसन के चीले पानी अब्सॉर्ब कर लेंगे तो ये वैसे भी गाढ़ा हो जाएगा। देखिए इतना गाढ़ा ये होना चाहिए। चलिए अब हम इसमें तड़का लगाते हैं। तड़के के लिए मैंने 1 टेबलस्पून तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर इसके ऊपर डाल देंगे, रायते के ऊपर। तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा। जीरे के चटकने के बाद में हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी। गैस ऑफ कर देंगे और हम इस तड़के को रायते के ऊपर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। लीजिए तैयार है हमारा बेसन के चीलों का रायता। आप इसको जब भी सर्व करें इसको फ्रिज में ठंडा करके ही सर्व करें।